क्वेश्चन में कि अ पर्सन स्पीकिंग नॉर्मली प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी 40 डेसिबल, मतलब जो आदमी बोल रहा है ना वो 40 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लाउडनेस का फॉर्मूला होता है 10 log 10 I/I0। आई नॉट होता है 10^-12, आई नॉट की वैल्यू है। अब ये 40, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 40 डेसिबल ये प्रोड्यूस किया है ये। बाकी कॉपी पेस्ट मार देते हैं 10^-12, 0 से 0 कट गया तो 4, और ये पता ही आपको कि बेस का पावर हो जाता है इक्वल टू लॉग, गायब होके इधर आ गया I/10^-, लॉग को हम हटा दिए, लॉग को हटाने के लिए 10^ क्या हो जाएगा 4, और इधर I/10^-12 बचेगा। तो इस तरह से इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मल्टीप्लाई होके 10^-12 में 4 गया -8, यानी ये इतना इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके अब ये बोल रहा है कि कोई भी आदमी के कान में कम से कम 20 डेसिबल जाएगा ना, तब उसके कान पे जू रेंगेगा, यानी उसको तब सुनाई देगा। तो 20 डेसिबल के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितना होगा, तो फिर से वही फार्मूला लिखे 10 L इक्वल टू लाउडनेस इक्वल टू 10 log 10 I/10^-12। अभी ये वैल्यू 20 होना चाहिए कम से कम, तो 10 log 10 और फिर से I/10^-12, तो ये 0 0 गया, तो 10^2 इस बार आया इक्वल टू I/10^-12, ये इधर गया तो 10^2 माइनस हो गया, तो क्या बच गया 10^-10 इंटेंसिटी। तो 10^-8 इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया, तो कितनी दूरी पे जाने पे वो इंटेंसिटी 10^-10 बच जाएगा। इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन कुछ ऐसा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी 1/2 लिखेंगे, तो इसको R2/R1 लिखेंगे, ऐसा उल्टा रेशियो है इसलिए, और ऊपर से इसका स्क्वायर भी लिखेंगे। तो I1 मैंने पहले क्या था 40 वाला था, 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला है 10^4 वाला है, ठीक है 10^8। तो 10^-8 डिवाइडेड बाई 10^-10 इक्वल टू R2 दिया है कि कितने मीटर दूर जाने पे ऐसा होगा, ये निकालना है मुझे, R2 पता नहीं है, और R1 था क्योंकि ये 1 मीटर दूर जाने पे हुआ था 40, राइट। अभी ये 10^2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 + 10, तो 2 बचेगा, 10^2 माने 100, और ये R2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो √100 का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, तो R2 इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा।